हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली वेलकम बैक ऑन माय चैनल दैट इज टाल भाई भूमिका मैं हूँ आपकी दोस्त भूमिका आई होप आप सब लोग ठीक हो भले चंगे हो तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ बंगाली साड़ी को कैसे ड्रेप करते हैं हाँ जी आई नो uh, मैंने बहुत लंबा गैप ले लिया फॉर सम रीजन्स मैं खुद में भी बहुत फ्रस्ट्रेड हो रही थी बट तो चलिए जब भी आई हूँ मैं आपके लिए कुछ अच्छा ही लेने लेके आती हूँ और कोशिश करती हूँ को कि आपके साथ कुछ भी ऐसे ही चीज़ें शेयर करूं जो आपको हेल्पफुल हो तो अब फेस्टिवल बहुत पास आ चुके हैं सारे फेस्टिवल बस लाइन से आ ही रहे हैं तो मैंने कहा क्यों नहीं आपके साथ बताती हूँ सबसे पहले क्या बंगाली साड़ी को कैसे ड्रेप करोगी तो मैं ये वीडियो दो पार्ट में लाऊंगी ठीक है ये पहला है और दूसरा बिकॉज वो बहुत लंबा हो जाता तो पहले वाले में मैं टिपिकल ट्रेडिशनल बंगाली साड़ी को ड्रेप करते हैं वो बताऊंगी कैसे बट उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ला के ठीक है और सेकेंड जो लुक होगा वो आपको सेकेंड वीडियो में बत पता चल जाएगा कि कैसे मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया है तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हेलो माय ब्यूटीफुल गर्ल्स तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप बंगाली साड़ी को कैसे ड्रेप करोगी तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपने राइट हैंड साइड से अपने राइट हैंड साइड से कपड़े को सामने की ओर जो भी uh, मतलब साड़ी है उसको सामने की ओर से टक करना है जैसे आप नॉर्मल साड़ी पहनते हो अगर आपको बेसिक साड़ी पहनने आती है तो उसमें आपको पता होगा कि राइट हैंड साइड से अंदर की ओर टक करते हैं सामने से ठीक है और फिर पीछे की ओर घुमाते हुए पीछे का भी सारा पोशन टक कर लेते हैं और हाइट का मेज़र कर लेना ठीक है और हो सके तो फुटवेयर पहन के ही करना मैंने यहाँ पे फुटवेयर नहीं पहना पर आप पहन लेना वरना फिर वो हाइट का ऊपर नीचे हो जाता है और फिर वो अच्छा नहीं लगता ठीक है और प्लीज़ हो, हो हो सके कि आप पेटी कोट का यूज़ करना और जिस कलर की हो, मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्टूपिडिटी कर दी है कि मैंने यहाँ पर पिंक कलर यूज़ कर लिया और थोड़ा वो ट्रांसपेरेंट हो गया है ना फिर आपको क्या करना है कि आपको छोटे छोटे प्लेट्स नहीं बनानी है। बंगाली साड़ी में क्या होता है कि आपको एक बॉर्डर मतलब जो एक प्लेट्स होती हैं वो ब्रॉड बनानी होती हैं ठीक है और सिर्फ एक प्लेट बनानी होती हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड जैसे नॉर्मल प्लेट्स बनती हैं वैसे ही बट सिर्फ एक प्लेट और वो भी बहुत ब्रॉड जैसा कि आप देख रहे हो मतलब अपने आ, आपके वेस्ट का हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ठीक है आई uh, होप मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ और आप देख भी रहे हो जैसा कि मैं कर रही हूँ तो आप देखते रहना हो सकता है मैं को बताने में थोड़ा वो हो रहा हो प्रॉब्लम बट आप देख रहे हो तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ फिर आपको जो ये कपड़ा बच जाता है उसे अपने पीछे की ओर जिस डायरेक्शन में आपने प्लेट्स को टक किया है उसी प्लेट डायरेक्शन में आपका साड़ी का कपड़ा बच्चा है उससे आपको फिर से आगे की ओर घुमाते हुए और फिर इसकी प्लेट्स बना लेनी है ठीक है इसमें थोड़ा ज़्यादा कपड़ा छोड़ना पड़ता है वो आपको आगे समझ में आएगा या फिर आपने देखा होगा तो आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा और इसकी जो प्लेट्स है उसे बहुत ध्यान से बनाएगा बिकॉज़ बहुत लंबी प्लेट्स बनानी पड़ती हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा पल्लू रखना पड़ता है तो पूरी प्लेट्स का ध्यान रखना पड़ता है और हो सके तो अगर आपके पास पिन हो आ, तो पिन से आ, थोड़े थोड़े गैप पिन पिनअप करते जाएगा तो उसमें क्या होगा प्लेट्स आसानी से बन जाएगी और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है वरना अगर आप सोचो कि आप डायरेक्ट ऐसे पूरा बना लो जैसा कि मैंने इसमें गलती की तो आप मत करना ठीक है आप अप करते रहना ठीक है फिर आप अपने ऐसे ही जैसा पल्लू लेते हो वैसा पल्लू लेके अपने शोल्डर पे इस वाले शोल्डर पे रख लो और प्लेट्स को जैसे हाइट हो जाती है ना तो उन्हें थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल लो जैसा कि मैं कर रही हूँ ठीक है बाकी आप थोड़ा इधर उधर समझ लेना ठीक है वो तो आप अपने हिसाब से कर लो और प्लेट्स बना के फिर यहाँ पे इसे पिनअप कर लो सिक्योर करना भी ज़रूरी है ना कि इधर उधर ना चली जाए और देखिए कितना ज़्यादा कपड़ा मैंने छोड़ा है मतलब पल्लू के लिए कितना बड़ा पल्लू है इसका मैं अभी आपको बताती हूँ कि क्या करना है ठीक है तो आप अच्छे से प्लेट्स बनाओ उसके बाद इसे पिनअप कर लो पिनअप करने के बाद आपने क्या करना है जब एक बार आप पिनअप करके डन हो जाते हो जैसा कि मैं कर रही हूँ उसके बाद जो आपने ये कपड़ा छोड़ा हुआ है उसे आपने क्या करना है अपने शोल्डर जो आपका दूसरा वाला शोल्डर है उसकी ऊपर से मतलब पीछे की ओर घुमाते हुए उसके पीछे से ही आगे की ओर कपड़ा लाके रखना है जो बचा हुआ है ठीक है और ये चीज़ आप ध्यान देना पीछे एक यू शेप बन के आना चाहिए ठीक है अभी जब मैं टर्न होंगी तो आपको देखने को मिलेगा कि पीछे यू शेप बना हुआ है ठीक है उसका भी एक रीज़न है वो मैं भी बताती हूँ क्योंकि मैंने इसे मैरिड uh, और अनमैरिड दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया है ठीक है फिर आप एक बार प्लेट्स में डन हो गए दूसरे साइड की भी तो यहाँ पे आपकी साड़ी ड्रेप बंगाली डन है यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एयरिंग्स पहन ली हैं ठीक है और अगर आपके पास रेड कलर की बड़ी सी बिंदी है तो बहुत ही अच्छा होगा बिकॉज वो लोग आपने देखा होगा बड़ी सी ही बिंदी लगाते हैं मैंने छोटी यूज़ की मगर अगर, अगर आपके पास है तो आप कर सकते हो कोई मतलब ऐसा जरूरी नहीं है बट अगर, अगर आपका मन करता है तो आप बड़ा ही लगा लेना ठीक है फिर दूसरी साइड भी मैंने पिन से सिक्योर कर लिया ठीक है और हाइट थोड़ा मेज़र कर लेना थोड़ा ऊपर ही रहे जैसा कि आप इसमें देख रहे हो उसके बाद जब आप इस चीज़ से डन होते हो तो आप देखोगे पीछे की ओर जैसे मैंने बोला था यू शेप या वी शेप कह सकते हो वो क्यों है कि आप ये जो पीछे कपड़ा बचा हुआ है आप उसे ऐसे ऊपर लाते हुए घूंघट है ना या जूड़ा जैसे बनाते हैं तो उस पर आप यहाँ पे पिनअप कर सकते हो तो मैंने देखा है जितनी भी मैरिड होती हैं ना सही बंगाली वुमेंस वो, वो जब ऐसे दुर्गा पूजा के टाइम पर वो ऐसे ही करके आती हैं मैंने वो चीज़ दिमाग में रखते हुए किया और बहुत प्यारा लगता है है ना बस यही था ड्रेप आई होप आपको अच्छा लगा हो आपको पसंद आया हो तो अगले वीडियो में मिलते हैं लव यू सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिलीज़ के साथ मेरे इस वीडियो को और हर वीडियो को शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार आए हो अगर सब्सक्राइब कर चुके हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमेशा इस वीडियो को देखते रहो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो और लाइक का बटन प्रेस कर देना अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए लव लव बाय बाय